एक बार मैकेनिक्स का पेपर देने आ जाते हैं और उस पेपर में म्यू की वैल्यू नहीं दी गई, तो उसी वजह से जो बखेड़ा खड़ा हो जाता है वो कुछ इस कदर है। पहले शाहरुख खान पेपर देखते हैं। अरे अरे अरे, कैसा सब है रे यार जिसमें म्यू की वैल्यू ही नहीं दी गई यार। कैसे सॉल्व करूं ये सवाल, कभी 29 पे तो कभी 31 पे, तो कभी 31 पे तो कभी 34 पे। अरे हमेशा यही सिलसिला होता रहा है मेरी जिंदगी में। अरे ओ सर, अरे ओ सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ सर। इतने में अपने सोनी भाजी, तुम कुछ कहने से पहले मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा। पहले अटेम्प्ट के वक्त सम सही था पर वैल्यू गलत, दूसरे अटेम्प्ट के वक्त सम गलत था पर वैल्यू सही। हमेशा यही होता रहा है इस पेपर में। शायद अगले अटेम्प्ट तक सड़क का कोई ट्रक आके मुझे कुचल देगा और रह जाएगी मेरी केटी। केटी पे केटी, केटी पे केटी दे दे के मैं परेशान हो चुका हूँ। इतने में मिथुन सगी, अब तू चाय पी, अब तू चाय पीना। अरे केटी बेटी आज यार अपनी बेटी है रे केटी, चल चल अगले अटेम्प्ट तक हम लोग पास हो जाएंगे चल। तो इतने में एक खामोश आदमी ऐसे आराम से बैठा रहता अपने दिलीप कुमार साहब। वाह वाह भाई, भाई कौन ने कह रहा है केटी पे केटी, केटी पे केटी। कोई कभी कोई कमबख्त हमसे भी कहेगा ये केटी क्यों मांगी जा रही है। अली बार बार चिल्ला चिल्ला के एक ही बात कह रहा, केटी पे केटी, केटी पे केटी। भाई क्यों, अगर सब में मुंह की वैल्यू दी गई है तो कोई 12 पास लड़का इसको सॉल्व नहीं कर सकता। सॉल्व करने की जरूरत भी करता है तो उसे नाकामयाबी का मुंह देखना पड़ेगा। तो इतने में गब्बर गब्बर सिंह हरियो साहब कितने केटी, अरे कितने मार्क्स का पेपर निकाली है रे यूनिवर्सिटी इस बार। पूरे 140 सरकार। अरे साहब पास होने में कितने मार्क्स लगते हैं रे, पूरे 40 सरकार। अरे साहब कितना मार्क्स का पढ़ाई किए रे हम, पूरा स्टैटिक सरकार। पर सरकार पेपर में म्यू की वैल्यू दी नहीं गई है। ठाकुर, ए ठाकुर, हमका म्यू का वैल्यू दे दे ठाकुर। जब तक तुम डायनामिक्स नहीं पढ़ लेते मैं तुम्हें म्यू की वैल्यू नहीं दूंगा। गबर, गबर, गबर।
पापर के हाथ टूट जाते इतने में सीनियर सिटीजन अमिताभ बच्चन इतनी मजबूत है कोई 12 पास ना का बड़े दिमाग और कैसी कैसी इस कम का साल निकाल निकाल इतने में राजेश खन्ना अरे ड्रॉपर चुप रे तो अमिताभ जी भड़क जाते काफी गुस्सा हो जाते काफी गुस्सा आ जाते अपने अग्निपथ के अंदाज में अरे सना माय माय ड्रॉपर सना इतना सा था एसएससी के सर्टिफिकेट के साथ पतंग खेलता था मालूम सना 3 साल का डिप्लोमा 8 साल में क्या मालूम बात करता मैं माय ड्रॉपर पास को कॉलेज में एडमिशन दिया पूरा 2.5 लाख दिया मालूम एक नहीं दो नहीं सना पूरा 2.5 लाख रोज मेरा 8 वाटर है इतने में बाद में क्या होता है एक सिंगर है माँ सरस्वती देवी लता मंगेशकर लता मंगेशकर जी बेटी रहती मैंने लाखों पेपर दिए पर अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी पेपर में म्यूटी वैल्यू नहीं हो मेरी छोटी बहन आशा अभी फर्स्ट ईयर में है मैं चाहूंगी कि वो फेल हो ये उन दिनों की बात है जब पंचमदा और मन्नाड़े साहब के साथ मैं चिटले के पास होती थी मैंने हमेशा काफी अटेम्प्ट दिए पर हमेशा 40 पे ही लटकती थी ये तो हो गया लता मंगेशकर जी बाद में हमारे होनहार स्टूडेंट आते हैं नाना पाटेकर साहब पिछले 4 साल से अटेम्प्ट दे रहा हूँ अब तक पास नहीं हुआ क्या करूँ मैकेनिक से कभी पेपर टफ आता है तो कभी चेकिंग इजी कभी पेपर इजी तो चेकिंग भी इजी आज तक समझ नहीं पाया ये क्यों होता रहता है ऐसे काफी किस्से हो गए हैं मेरे लाइफ में पता नहीं क्यों होता है ये एक बार यूं ही बैठा था बुक खोल के कई चैप्टर आए मेरे सामने उनमें से 2 देखे सही नहीं लगे दिमाग घूम गया था मेरा 2 चैप्टर देखे ये इक्विलिब्रियम का सम ये फिक्शन का सम कोई फर्क है नो न्यूटन का 10 मिनट का मजाक यहाँ पर लो 8 अटेम्प्ट तक खेल रहे चलिए 1 μ की वैल्यू हमें केटी दे दिया करिए पता नहीं चलता दैट्स इट गाइस बाय